Hello student, a very fine good morning to all of you. Student, now we have to study lesson 10, chapter name, Our Environment and Pollution. Student, in this chapter on previous day we had studied about water pollution. Student, now we are going to study about soil pollution. This is the topic for today. Student, soil pollution. Soil pollution result from the excessive use of the fertilizers and the pesticides, acid rain, and the soil wastes cause soil pollution. Soil pollution causes disease in human beings and animals. It reduces quality and the fertility of soil. Due to this, plant would be destroyed. Students, soil pollution. It is a very common pollution and it is due to use of fertilizers and pesticides. Now, in these days, most of farmers use fertilizers and pesticides to grow more and more crops, and it makes soil polluted, and soil also polluted due to the use of plastics, because plastic, we throw plastic here and there on the surface, and you already know that plastics never destroy. It means it can't destroy and decompose and mix in the soil. Student, soil pollution जो है अभी सबसे common pollution है. Soil pollution होने का main reason है fertilizers और pesticides का use. इसके अलावा polythene और plastic का use भी इसका एक cause है. Actually polythene और plastics जो है वो उसका डिकम्पोजिंग नहीं होता है, वो डिकम्पोज नहीं होते हैं और सॉइल को क्या करते हैं, पोल्यूटेड करते हैं. इसके अलावा जो एसिड रेन है और जो सॉलिड वेस्ट है सच एज पॉलीथीन बैग्स, बॉटल, कैंस आल्सो कॉज सॉइल पोल्यूशन. एसिड रेन, अभी हम आपको बताएं कि जो सॉलिड वेस्ट है ये सभी जो है सॉइल पॉल्यूशन के मेन रीजन है, कॉज है, ठीक है. और सॉइल पॉल्यूशन कॉज डिजीज इन ह्यूमन. अब सॉइल पॉल्यूशन से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं तो आपको बता दें, ह्यूमन और एनिमल्स में इससे क्वालिटी और फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और सॉइल्स की क्वालिटी घटती है, फर्टिलिटी घटती है. ड्यू टू दिस प्लांट वुड बी डिस्ट्रॉय, और इससे प्लांट क्या होते हैं, डिस्ट्रॉयड होते हैं, ठीक है. अभी क्रॉप्स में डिफरेंट टाइप्स सब जो तरह तरह के डिजीज हो रहे हैं, इसका इसमें से कुछ डिजीज का कॉज जो है सॉइल पोल्यूशन भी हो जा सकता है. ओके स्टूडेंट, तो नाउ वी हैव टू स्टडी प्रिवेंशन ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स. Preventive measures of soil pollution. How can we prevent soil pollution? The student, reduce the excessive use of pesticides and the insecticides. हमें pesticides और insecticides का कम से कम use करना होगा. नहीं करें तो हम क्या करते हैं, कर सकते हैं, हद तक soil pollution को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, प्रिवेंट कर सकते हैं. ओके, लैंडफिल शुड बी क्रिएटेड अवे फ्रॉम द सिटीज एंड द डिकम्पोज वेस्ट नेचुरली. और लैंडफिल शुड बी क्रिएटेड, आप देखिए
अब जो हम सॉलिड वेस्ट है उनको इधर उधर फेंक देते हैं, इसके लिए हमें शहर से दूर बड़े बड़े क्या करना होगा कि जो लैंडफिल्स होगा उसको बनाना होगा, और यहाँ पे क्या करना होगा, जो हमारे सॉलिड वेस्ट है उसका डिकम्पोजिशन कराना होगा। इससे क्या होगा कि हमें मैन्यूर भी मिल सकता है, जिसका यूज हम तरह तरह के जो फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं उसकी जगह कर सकते हैं। ठीक है, बायोग्रेडेबल वेस्ट सच एज लीव्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पिल्स शुड बी यूज्ड टू मेक मैन्यूर टू अवॉइड एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब देखिए, हमें फर्टिलाइजर्स की जगह मैन्यूर का यूज करना होगा, जो क्या है, बायोग्रेडेबल। अब कहोगे बायोग्रेडेबल क्या है, तो जो भी लिविंग थिंग के पार्ट हैं जो वेस्ट के रूप में मिलते हैं, सच एज हमारी किचन में जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स यूज, उनके जो पिल्स होते हैं छिलके होते हैं, तो जनरली लोग क्या करते हैं उसको इधर उधर फेंक देते हैं वेस्ट को, वो सड़ता है, तरह तरह की बीमारियां फैलाता है उससे, मॉस्किटोज फ्लाई हाउस फ्लाई ब्रीद करते हैं, और इसके अलावा सॉयल भी पॉल्यूटेड होता है। तो उसका उसको हम क्या करें, उसके डिकम्पोज करके उसको मैन्यूर तैयार कर सकते हैं, और हम फर्टिलाइजर्स का यूज कम से कम करें, इस तरह से हम सॉयल पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, ये भी एक बेस्ट वे है। ओके, यूज ऑफ पॉलिथीन बैग्स एंड प्लास्टिक मटेरियल्स शुड बी अवॉइडेड, यूज जूट एंड पेपर बैग शुड बी इनकरेज इंस्टेड ऑफ पॉलिथीन बैग्स। हम जो पॉलिथीन बैग्स का यूज कर रहे हैं उसके उसको रिड्यूस करना होगा, उसे छोड़ना होगा, अवॉइड करना होगा हमें, और उसकी जगह हम पेपर बैग्स और जूट का बैग यूज करें। इससे भी क्या होगा, सॉयल पॉल्यूशन तक कंट्रोल होगा। तो दीज आर द मेथड बाय विच वी कैन कंट्रोल सॉयल पॉल्यूशन। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज सेविंग द एनवायरमेंट। सेविंग द एनवायरमेंट, स्टूडेंट्स, इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट हाउ कैन वी सेव आवर एनवायरमेंट, हाउ कैन वी कीप आवर एनवायरमेंट नीट एंड क्लीन। ओके, तो स्टूडेंट, आवर गवर्नमेंट हैज टेकिंग सम स्टेप्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड प्रिजर्व द नेचुरल एनवायरमेंट, सम ऑफ देम डिस्कसेस नाउ वी आर गोइंग टू टेल यू सम ऑफ देम। ओके स्टूडेंट, तो गवर्नमेंट जो है बहुत तरह तरह के प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं, जैसे कुछ दिन पहले क्या था, ये आपको सेफ वाटर का प्रोग्राम चल रहा था। ठीक है, तो अभी मोदी जी द्वारा हमारे जो माननीय जो रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा अभी स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है, इसके तहत क्या है, सॉयल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन तीनों को कंट्रोल कर सकते हैं अगर स्वच्छ भारत अभियान को हम फॉलो करें। ठीक है, तो इस तरह की तरह तरह की गवर्नमेंट जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है स्टेप ले रही है ताकि हम इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड होने से बचा सके। अभी मैं आपको इनमें से कुछ बताने जा रही हूँ। ठीक है, लर्न अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस एज अप्लायंसेस स्टार्ट रन ऑन दिस सोलर कुकर, सोलर पैनल्स एंड द हीटर वाटर फॉर द जेनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी आर गुड फॉर द इन्वायरमेंट। अब देखिए, जो हम फ्यूल का यूज करके तरह तरह के हीट को जनरेट करके तरह तरह का काम करते हैं, तो उसकी जगह पे हम अगर रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स यूज करें। अब देखिए, आप कहोगे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स क्या है, दो तरह की एनर्जी के सोर्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेस, फर्स्ट इज रिन्यूएबल एंड सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल आर द सोर्सेस दैट कैन जनरेट अगेन, बट नॉन रिन्यूएबल आर द सोर्सेस दैट कांट अगेन जनरेट। ऐसी चीजें जिसका नवीनीकरण हो सकता है, जो फिर से बन सकता है,
वो रिन्यूएबल है, ठीक है। जैसे क्या, मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ कट गया तो उसकी जगह हम पेड़ लगा सकते हैं, बट अगर पेट्रोल डीजल कोयल ये सब जो है, वाटर है, तो इसको हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इन्हें ये नेचुरली बनते हैं और इनके बनने में काफी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये रहे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमें इनका यूज करना होगा, जैसे सोलर कुकर है, सोलर पैनल्स है, हीटिंग वाटर को हीट करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। जैसे जनरली जो है कोल का यूज किया जाता है, कोयले का यूज किया जाता है, और कोल जो है, कोयला जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। आपको बताया क्या होगा कि कोल को बनने में, नहीं बताया गया तो नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा आपको कि कोल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। वो नेचुरली बनता है, उसको किसी फैक्ट्री में तैयार नहीं किया जा सकता है। फैक्ट्री शुड बी फिल्टर एंड क्लीन गैसियस वेस्ट बिफोर द रिलीज इनटू द एयर। दिस हेल्प टू द रिमूव टॉक्सिक गैसेस। अब देखिए, फैक्ट्री जो है उन्हें हमें क्या करना होगा, फिल्टर करना होगा और क्लीन गैसेस वेस्ट बिफोर इट द रिलीज इन टू द एयर। इससे क्या होगा कि जो दिस हेल्प द रिमूव टॉक्सिक गैसेस, और ये टॉक्सिक गैसेस जो हैं जहरीली गैसेस को रिमूव करेगा, ठीक है। वॉशिंग क्लॉथेस एंड वेसल्स एज वेल एज बाथिंग ऑफ एनिमल्स इन रिवर्स लेक्स शुड बी अवॉइडेड। अब वाटर बॉडीज में हम क्या करते हैं, जो तरह तरह का वर्क करते हैं, जैसे कि वॉशिंग क्लॉथेज, वॉशिंग कैटल्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स, इस सबको क्या करना होगा, बंद करना होगा, ठीक है, अवॉइड करना होगा, छोड़ना होगा, तभी हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और अपने एनवायरमेंट को सेफ रख सकते हैं। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज बीइंग इनकरेज्ड एवरी ईयर, प्रत्येक साल हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधों का वृक्षारोपण करना होगा, प्लांटिंग करना होगा, ठीक है। एवरी ईयर जुलाई 1 इज ऑब्जर्व्ड एज द वन महोत्सव डे। प्रत्येक साल 1 जुलाई को वन महोत्सव डे मनाया जाता है, और अगर हम पूरे साल नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम हमें प्रॉमिस करना होगा कि हम वन महोत्सव पे कम से कम कुछ नहीं है तो 2-4 पेड़ पौधे लगा देंगे, नहीं तो अपने में एक आदत बनाइए, ऐसे प्रॉमिस करिए कि हम अपने प्रत्येक बर्थडे को एक ट्रीज और प्लांट करेंगे, एक पौधा लगाएंगे, ठीक है। तो इससे एक बहुत अच्छी चीज होगी, एक तरह से तो आप इन्वायरमेंट को सेव करने में एक बहुत बड़ा आप स्टेप ले रहे हैं। दूसरी चीज होगी कि ये आपकी एक मेमोरी बन जाएगी कि मैंने अपने इस बर्थडे पे इस ट्रीज को प्लांट किया था इस बर्थडे पे, ठीक है। आपकी लाइफ का एक बहुत ही ब्यूटीफुल ये मेमोरी बन सकता है, ठीक है, और वो आपके जीवन में बहुत ही यूजफुल हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है, और ये आपके बर्थडे का सबसे बेस्ट गिफ्ट हो सकता है, ठीक है। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज्ड टू यूज नेचुरल फर्टिलाइजर्स, दिस प्रोवाइड बेटर यील्ड एंड दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। हमें फार्मर्स को इंकरेज करना होगा कि फर्टिलाइजर्स का कम से कम यूज करें और मैन्यूर का यूज करें और एनवायरमेंट फ्रेंडली क्रॉप्स उगाए, ओके। दिस इज द स्टेप बाय विच वी कैन सेव आवर एनवायरमेंट। स्टूडेंट होमवर्क फॉर टुडे, राइट डाउन सम स्टेप्स, describe in your own word how can we save our environment. This is the homework for today, and now student, you keep study, and we will meet in next video with next topic. Okay, student.